कहां से आए हैं? जिता से हैं? जिता से झोजन जिले। पूछिए क्या बात। बोली नहीं आती, सुनता नहीं है, बोली नहीं आती। पढ़े लिखे हो आप? आओ नजदीक। अब तुम हिंदी ठीक पढ़ लेते हो? ये पढ़ो। हाँ, माइक ले लो। अब माइक ले लो। आपके घर में परेशानी बनी, बेटी मूक बंद है, दिक्कत है, बोलवा सुन नहीं पाती है, 30% लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद चाहिए। बालाजी दया करें। बालाजी की जय। इसी में मंत्र लिख दिया, ये भी इस पर स्क्रीन पर भी दिखा सकते। मंत्र लिखा, ये मंत्र पहले आप पढ़ लो। ओम रम रामाय नमः। अब ये स्क्रीन पर भी दिखाओ। हम धाम पर उपाय कर देंगे, आशीर्वाद भभूति वहां से ले लो। हाँ, अभी इसके बाद कोई नहीं, कोई नहीं, कोई ना। कहाँ से हो? अरे नहीं, आप भरा गई बहुत है। माइक ले लो। पहली बार आई हो? हाँ, पहली बार आई हूँ। पढ़ी लिखी हो? अच्छा, पूछो। इस बच्चे के ना इंजेक्शन लगते हैं महाराज बहुत। काय के? शुगर के। और इसके सीजर भी आ जाता है, बेहोशी हो जाता है ये। हाँ, और डॉक्टर को दिखा रही, उसमें लाभ नहीं हो रहा? नहीं। अरे डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर तो ऐसे बोल रहे हैं, इसके शुगर ऐसे ही रहेगा लाइफ टाइम, जीवन भर। हाँ ठीक। और सीजर भी आता है, इसको बेहोशी हो जाता है ये। इनको हमारे पर्ची में आया, ब्रेन में दिक्कत, झटका बन जाता है। हाँ। ब्रेन में दिक्कत, झटका बन जाता है, शुगर की बीमारी की समस्या बनी हुई है, असहनीय शरीर में पीड़ा होती है, यह बालक चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है, जन्मजात दिक्कत है, कोई भी प्रेत बाधा नहीं है, 40% आराम मंत्र चिकित्सा से धाम से लग जाएगा, आशीर्वाद है। खींचने लगता, पागलों जैसी हरकत करने लगता है, पागलों जैसी हरकत करने लगता है। कोई प्रेत बाधा नहीं है, ना कोनो प्रेत नहीं है, ना इस चक्कर में आपने रुपया भी बहुत बर्बाद किया है, इस चक्कर में आपने रुपया भी बहुत बर्बाद किया है। गुरुजी का कहना है कोई प्रेत बाधा नहीं है, ना इन चक्करों में आप पढ़ो, ना ऐसी कोई तंत्र शक्ति है, ये जन्म जात ही इसको समस्या है, लेकिन 40% लाभ 100% हो जाएगा, हम उपाय कर देंगे, झाड़ा लगा देंगे, आप बागेश्वर बालाजी के दर्शन करवा देना, जाओ आशीर्वाद है, आशीर्वाद। वाह ठीक, बस रोते नहीं, रोते नहीं माता जी, चलो हाँ जाओ।